एक सवाल जो बार बार हमारे गुरुकुल के परिवार मेंबर्स पूछते ऑल ओवर द कंट्री, और वो ये है कि ओल्ड एम्प्लॉयज डोंट वॉन्ट टू वर्क अंडर अ न्यू सीनियर लीडर, हाउ कैन इट बी अलाइंड? यू नो, तो देर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, उसके ऊपर आप एक बाहर से एक लीडर ला रहे हो ऊपर की तरफ। जब भी आप लाते हैं कोई भी नया आदमी को ऊपर की तरफ, तो आपको दो तीन चीजें करना पड़ेगा। एक तो डायरेक्टली उसको लीडर करके डिक्लेयर मत करो, मतलब अगर आपके पास 25 एम्प्लॉयज है और उसके ऊपर आप एक जीएम को ला रहे हैं, एक रात में उसको ला के ये आपका नया बॉस है करके उसको सीधा मैदान में मत छोड़ो, क्योंकि 25 जन उसका वस्त्र हरण करेंगे और उसका चीर हरण होगा। तो व्हाट इज़ अ बेटर वे टू डू इट, आप उसको लाइए, वो नया आदमी को लाइए, और आप उसके साथ बोलते ना आई डू यू सी कीजिए। आई डू यू सी मतलब आपके 25 आदमी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप जा रहे हैं, यू नो, एज द मैनेजर, एज अ लीडर, एज द एंटरप्रेन्योर, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं, आप ये नए आदमी को लेके चलिए। तो वो समझो 1 जनवरी को ज्वाइन किया, उसको अपन फुल फ्लेज 25 जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी 1 अप्रैल से देंगे, तो अपने पास 90 दिन है। तो इन 90 दिन में क्या करना है, आई डू यू सी मतलब अपन उसको अपने साथ एज एन असिस्टेंट रखे, अपने साथ बोलने का, चलो अभी मैं ना सेल्स के लिए जा रहा हूँ तू मेरे साथ आ, अभी मैं मार्केटिंग टीम के साथ बैठा हूँ तू मेरे साथ आ, अभी मैं ना टेक्नोलॉजी टीम के साथ बैठा है तू मेरे साथ आ, अभी मैं परचेस टीम के साथ बैठा है तू मेरे साथ आ, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ बैठा है तो तू मेरे साथ आ। तो पहला आई डू यू सी, आप अपने टीम के साथ बात कर रहे हैं, तो ये जो नया आदमी है वो ये देख रहा है कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप कैसे डील करते हैं, एम्प्लॉय कैसा बोलता है, एम्प्लॉय किस तरह से क्वेश्चन करता है। तो आई डू यू सी कीजिए पहला। उसके बाद यू नो उसका ओपिनियन एक दूसरा जो पढ़ा होगा, पहले तो चुपचाप बैठा, फिर थोड़े दिन के बाद ये जो नया आदमी है जो आपके बाजू में बैठा है, तो जब अपना चर्चा हो रहा है तो आप ये नया आदमी से पूछिए सबके सामने कि तुझे क्या लगता है इसको किस तरह से किया जाए, तो वो अपना ओपिनियन देता है। तो वो आप ध्यान से सुनिए कि उसका ओपिनियन कैसा है, हो सकता है उसका ओपिनियन बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही खिला हुआ, बहुत ही सुलझा हुआ तो उसका ओपिनियंस होगा। अगर ऐसा है तो बोलने का, यस ये तो करेक्ट बोल रहा है, आप लोगों को क्या लगता है, एंड देन एम्प्लॉयज को उसके आइडियाज़ के साथ उसको एग्री कराना है। तो वो एम्प्लॉय भी देख रहा है कि ये जो आदमी है जो नया आया है इसमें बहुत सारे टैलेंट है, ये बहुत ही गहरा इंसान है, ये बहुत ही इंसाइटफुल इंसान है, ये स्टूपिड बातें नहीं कर रहा है, ये सेंसिबल बातें कर रहा है, ये मुद्दों को समझ रहा है, ये मुद्दों को पहचान रहा है, ये मुद्दों की गहराई में जाके बात कर रहा है। तो वहाँ पर एक जैसे ही ओल्ड लोगों ने ये जो ऊपर अभी आप उसके ऊपर रखने वाले इसको, इसके बारे में एक व्यू बनने चालू हो जाता है, एक परसेप्शन बनने को चालू हो जाता है, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आगे चल के फिर अभी ये हो गया आई डू यू सी, फिर उसको बोलने का, अब मैं मीटिंग जाऊंगा ना, अब मैं बात नहीं करूंगा, अभी तू ही बात कर, यू डू आई सी। अब क्या करेगा, वो मीटिंग ले रहा है और हम हवे में आसमान में देख के बैठे हुए, वो कैसा मीटिंग ले रहा है, उसको मीटिंग जब ले रहा है तो लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब लोग उसमें अगर समझो 25 जन बैठे हैं तो 20 जन उसको बराबर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन 4-5 बदमाश लोग हैं, हरामी लोग, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो फिर आपको वो 4-5 लोगों के साथ अलग सा बैठ के बात करना पड़ेगा, और ये आदमी को बाजू में बिठाना पड़ेगा कि ये जब पूछ रहा था तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। उनके पास अगर कोई वैलिड रीजन है तो ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस को चालू रखना है। वो अब मीटिंग ले रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार आपके सामने ले रहा है, और लेने के बाद आपको पता चल जाता है कि इस आदमी में दम है। ये आदमी जब आपने उसको क्वेश्चन पूछा, सेंसिबल बात किया, और जब वो खुद मीटिंग ले रहा था तभी भी उसने सेंसिबल बात किया, तो 60-80 डेज इस तरह से काम चलने के बाद आप उसको बोलिए, अभी तू है ना ये टीम को तू खुद हैंडल करेगा। जब आपको लगता है कि टीम का इसके साथ एक मेल मिलाप हो गया, एक अलाइनमेंट हो गया, स्लोली स्लोली आप उस टीम को उसके हाथ में दे दीजिए। हो सकता है डिपार्टमेंट वाइज आप चालू कीजिए,
ये आप डिक्लेयर जरूर कर सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल जनरल मैनेजर होगा, तो पहले आप उसको समझो सेल्स का डिपार्टमेंट दीजिए, थोड़े दिन के बाद आप उसको मार्केटिंग दीजिए, थोड़ा दिन के बाद परचेस का डिपार्टमेंट दीजिए, थोड़ा दिन के बाद आप उसको मैन्युफैक्चरिंग का डिपार्टमेंट दीजिए, थोड़े दिन के बाद एचआर का डिपार्टमेंट दीजिए, इस तरह से स्लोली स्लोली उसको देते रहना है। तो आप अपने मन में एक 90 डेज का प्लान रखिए 1 जनवरी से 31 मार्च, और इस आदमी को स्मूथली अंदर लेके आना है। हमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट नहीं करना। हम इसलिए भी वो नया आदमी को ला रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इंटरनली वो 25 जन को हैंडल करने वाला इंटरनली ऐसा एक इंसान अपने पास नहीं है। बोल के हम बाहर से ला रहे हैं। पहली बात तो अगर इंटरनली ये 25 जन को हैंडल करने के लिए आप एक रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं विद इन द कंपनी, वो सबसे बढ़िया बात हो सकता है। कहते हैं ना कि वो इंटरनली आपको फैक्ट्री में से, आपके फैक्ट्री के अंदर टैलेंट है तो फैक्ट्री के अंदर से आपको, कंपनी के अंदर से आपको टैलेंट मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि बाहर से आदमी लाए बिना काम होने वाला नहीं है, और जब आप लाते हैं तो आपको ओल्ड का मान सम्मान भी करना पड़ेगा, न्यू को ला के उसको बहुत ही गहराई से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये सब चीज़ें करने के बाद मैं बोलता हूँ ना, पहले आई डू यू सी, फिर यू डू आई सी, फिर आई डू यू सी आई हैव अ प्रॉब्लम यू टेक ओवर, यू डू आई सी यू हैव अ प्रॉब्लम आई टेक ओवर, देन वी डू। ये 5 टाइप के बात हो सकती है। आई डू यू सी, मैं करता हूं तू देख, यू डू आई सी, तू कर मैं देखता हूं, आई डू यू सी आई हैव अ प्रॉब्लम, मैं जब हैंडल कर रहा हूं मुझे प्रॉब्लम आ गया 25 जन से, यू टुक ओवर, वो भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। देन यू डू आई सी यू हैव अ प्रॉब्लम विद 25 पीपल आई टेक ओवर, देन वी डू, हमारा एक केमिस्ट्री जब बन जाता है, हम दोनों का एक बॉन्डिंग जब बन जाता है और उसका और वो 25 जन का बॉन्डिंग होता है, तब जाके आपको उसको इंडिपेंडेंटली छोड़ देना है सिस्टम के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू वेरी मच।